गुरुग्राम में स्कूली बच्चों को बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स में ORS वीक चलाया जा रहा है। मानसून शुरू होने के बाद इस मौसम में बच्चों के लिए बीमारियों का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। इसी से बचाव के लिए इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ने एक सप्ताह तक ORS वीक चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए गुरुग्राम में स्कूल में बच्चों को जागरूक किया और उन्हें ORS के फायदे बताए तो किस तरह से इसे लिया जाता है इसके बारे में भी जानकारी दी। इस मुहिम के तहत पूरे सप्ताह भर के स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जाएगा। दरअसल इस मौसम में बारिश के कारण बच्चों को पानी की कमी और इसके साथ साथ बाहर का खाना खाने से दस्त और उल्टियाँ लग जाती है, जिससे बच्चों को दूसरी बीमारियाँ भी फैलने का डर बना रहता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि बच्चों को रोजाना 1 लीटर पानी में ORS का घोल पिलाएं। और इसके अलावा बच्चों को ये भी जागरूक किया गया कि यदि घर में ORS नहीं हो तो 1 चम्मच नमक और 6 चम्मच चीनी मिलाकर पी लें, जिससे बीमारी से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल इस मौसम में जागरूकता ही बचाव है। ये ORS वीक है जो IAP इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक बनाती है और ये 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक चलता है। इसमें हम बच्चों को, अपने पेशेंट्स को, सोसाइटी को ORS का महत्व बताते हैं, क्योंकि ORS ये एक पुड़िया, जादू की पुड़िया है जिससे हम दस्तों में होने वाली पानी की कमी से, जो बच्चों की या बड़ों के अंदर हॉस्पिटलाइज होते हैं या इवन डेथ तक हो सकती है, हम उनको बचा सकते हैं। क्योंकि एक सिंपल, एक छोटा सा ये कदम है, अगर हम इसको समय पर स्टार्ट कर दें तो यह कई लोगों की जान बचा सकती है। इसीलिए यह वीक मनाया जाता है ताकि हम सबको जागरूक कर पाएं कि जैसे ही दस्त या उल्टी स्टार्ट होते हैं, टिपिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें, तो ये ORS का पैकेट तुरंत स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, ये जो बारिश का मौसम होता है, जब बारिश आती है जाती है, तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ आती हैं वो उल्टी दस्तों की होती हैं। बाहर के कटे हुए फल, बाहर का खुला हुआ खाना, पानी बिना उबला हुआ पानी, बिना साफ पानी, अगर बच्चे ये ले लेते हैं तो उनको उल्टी दस्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और हम आजकल देख रहे हैं कि ना कि बच्चे, इवन बड़े भी, कई बार पहले दिन बच्चे आते हैं और अगले दिन फिर बड़े भी, पूरी फैमिली है जो उल्टी दस्तों से ग्रस्त रहती है।